हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है यूपी ट्रिपल एससी से, और अपडेट है जेई भर्ती 2024 की। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें लगातार जो है पद की बढ़ोतरी हो रही है, और फिर आज की डेट में जो नया एक अपडेट आया है वो 360 पद जो है, पहले जो 4016 पोस्ट थी उसमें 360 पोस्ट और ऐड हो गई है, और 4376 पोस्ट अब टोटल जेई 2024 की पोस्ट हो चुकी है। तो उन स्टूडेंट के लिए जो जेई भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और सुनहरा अवसर है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब भर्ती ज़्यादा होती है तो सिलेक्शन के चांसेस एवरेज स्टूडेंट के भी बढ़ जाते हैं, और कट ऑफ की थोड़ा जो सीक्वेंस होती है वो कम हो जाती है। तो अपडेट है ये जेई 2024 की, इसमें जो कुल जो पोस्ट थे अब जो टोटल 360 जुड़ने के बाद 4376 पोस्ट जो हैं हो चुके हैं, और अलग अलग विभागों में, जैसा कि ये जो ऑफिशियल नोटिस है इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड आपको बहुत जल्द ही अपडेट मिलने वाली है, क्योंकि छात्राओं द्वारा जनता दरबार में कई बार गुहार लगा चुकी हैं जो छात्राएं जाकर, तो वहां से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द ही इसको स्टे फ्री करवा दिया जाएगा, यानी कि इस पे जो भी भर्ती पे स्टे लगा हुआ है उसको हटाकर इसके रिजल्ट को जारी किया जाएगा, और लेखपाल भर्ती पे भी जो स्टे लगा हुआ है इसको भी हटवाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मंडी परिषद वाले स्टूडेंट के लिए, जो लोग इसके रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो जनता दरबार में आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए, जाइए वहाँ पे अपनी बात को रखिए, क्योंकि जो भी पेंडिंग रिजल्ट है यूपी ट्रिपल एससी के पास, तो छात्र अपनी बातें जाकर वहाँ पर रख रहे हैं। तो यदि आप जाएंगे तो वहाँ से थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, और हो सकता है कि आपके भी रिजल्ट पे भी काम शुरू हो जाए। और जैसा कि आप लोग को पता है कि जेई के रिजल्ट के लिए भी स्टूडेंट जा चुके हैं, इसके साथ ही मुख्य सेविका के लिए भी जा रहे हैं, और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे लेखपाल भर्ती के लिए भी स्टूडेंट जो जा रहे हैं कि इस पे से स्टे लगवाया जाए। तो इनकी सुनवाई हो रही है, और देखिए आगे क्या होता है, जुलाई तक इसकी अपडेट मिल जाएगी, बहुत जल्दी इसके बारे में आपको सूचना दे दी जाएगी। लेकिन पूरी उम्मीद है कि जुलाई में इन सब के रिजल्ट को लेकर आपको सूचना अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और इसके साथ ही दोस्तों मंडी परिषद वाले जो भी स्टूडेंट हैं एक बार जरूर विजिट कीजिए और अपनी बात को वहाँ पर रखिए। यूपी ट्रिपल एससी से कोई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।